कि जिन सपनों के लिए तूने सोना तक छोड़ दिया, सपने तेरे झूठे तो नहीं हैं। कि जिन सपनों के लिए तूने सोना तक छोड़ दिया, वो सपने तेरे झूठे तो नहीं हैं। थक गए तो क्या हुआ, थक गई तो क्या हुआ, हिम्मत के वो पंख अभी टूटे तो नहीं हैं, हिम्मत के वो पंख अभी टूटे तो नहीं हैं। कि मांगता हूँ चुनौतियाँ, कि मांगता हूँ चुनौतियाँ, कर रही हैं हद पार, पर तू चलना, मंजिल तो तेरा इंतजार कर रही है, मंजिल तो तेरा इंतजार कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले दोस्तों हिंदी के अंदर अभिव्यक्ति माध्यम पर आधारित प्रमुख प्रश्न उत्तर, फटाक से देख लेते हैं। तो एक बार जल्दी से आ जाओ दोस्तों, ठीक है, क्लास को एक बार सभी शेयर कर दीजिएगा। और अभिव्यक्ति माध्यम पर आधारित जो है प्रमुख, हम जो है आपके सामने 50 क्वेश्चन देखने वाले दोस्तों, सभी का तहे दिल से स्वागत है अपने इस क्लास के अंदर। हम देखने वाले हैं 45 क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सामने अभिव्यक्ति माध्यम पर आधारित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो आप सभी एक बार लाइक कर दीजिएगा, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मैं फिर कहना चाहूंगा दोस्तों, ज्योग्राफी में तो हमारा डंका बज गया दोस्तों, डंका बजा दिया मैंने, अब की बार हिंदी में भी डंका बजेगा। देखिएगा पूरे में से पूरे 100 में से 100 नंबर आपको लाने हैं, एक नंबर तक नहीं कटने देना है, आपको करना कुछ नहीं है, बस मेरी क्लास लाइव क्लास अपलोडेड क्लास ये आपको रेगुलर अटेंड करनी है, रेगुलर आपको याद करना, सभी जो मैं पढ़ा रहा हूं सब याद होना चाहिए। और एक सीरीज मिलेगी आपको 30 रुपए में, देखिएगा सीरीज आपको व्हाट्सएप पर ही मिलेगी, 30 रुपए में सीरीज मिलेगी, उस सीरीज सबके पास होनी चाहिए। पहले कह रहा हूं मैं, चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस है उसमें पेपर है, ठीक है, और व्याकरण पूरी मिलेगी इसके अंदर, 30 रुपए में मिल रही सीरीज, व्हाट्सएप पर मिलेगी पीडीएफ के रूप में। आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करना, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं। सीरीज तो सबके पास होनी चाहिए, सीरीज को अच्छे से याद करो, मेरी क्लास अटेंड करते रहो दोस्तों, आपको 100 में से 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। चलो अब देखिएगा, मेरी बात सुनो अच्छे से, चलो हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है, जो रेडियो नाटक है वो किस प्रकार का माध्यम है। चार ऑप्शन है आपके सामने, सर्व माध्यम, दृश्य माध्यम, दोनों या इनमें से कोई नहीं। अब आपको पता होगा दोस्तों, जो प्रमुख जैसे माध्यम की बात करें तो ये देखो आपके जो माध्यम है, जैसे एक तो सर्व माध्यम हो गया, ठीक है, सर्व माध्यम, एक तो है सर्व माध्यम, एक है आपके सामने सर्व माध्यम, एक है आपके सामने कौन सा दृश्य माध्यम, कौन सा दोस्तों दृश्य माध्यम, ध्यान रखना, एक तो दृश्य माध्यम है, एक आपके सर्व माध्यम है, और एक है दोस्तों आपके सर्वे और दृश्य, ठीक है, सर्वे और दृश्य दोनों प्रकार का माध्यम। यानी दोस्तों तीन प्रकार के माध्यम है, जिसमें सर्व माध्यम, दृश्य माध्यम, सर्व दृश्य माध्यम। सर्व माध्यम जिसे हम सुन सकते हैं, दृश्य माध्यम जिसे हम देख सकते हैं, सर्व दृश्य माध्यम जिसे हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो तीन प्रकार के माध्यम है दोस्तों, रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है। तो रेडियो आपको पता है, रेडियो क्या है दोस्तों, रेडियो को हम सिर्फ सुन सकते हैं, आपको पता है रेडियो को हम सिर्फ सुन सकते हैं, तो ये क्या हुआ सर्व माध्यम है। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा, बिल्कुल जिन्होंने इसका ए किया उनका राइट है। अब देखिएगा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, लगा दो आग सीने में, लगा दो आग सीने में, कहानी उसे कहते हैं, छीन लो अब की बार बोर्ड में 100 नंबर लाने से आपको रोक नहीं सकता दोस्तों। मैं तो कहता हूं कि बोर्ड की कॉपी छीन लो अच्छे से। देखिएगा आगे क्वेश्चन है कि कहानी का केंद्र बिंदु, याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलेगा जरूर, कहानी का केंद्र बिंदु जो है वो कथानक जो है ना, कथानक ये कहानी का केंद्र बिंदु है, ध्यान रखना कहानी का केंद्र बिंदु कथानक है, कहानी का केंद्र बिंदु कथानक है, कैसे कहानी कैसे कथानक, याद रखना दोस्तों कहानी का केंद्र बिंदु कथानक, कथानक कथानक गूंजना चाहिए, मैं तो कह रहा हूं एग्जाम में गूंजना चाहिए दोस्तों, एग्जाम हॉल में बैठे बैठे प्रश्न गूंजने चाहिए आपके कानों में। देखिएगा नाटक का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, नाटक का महत्वपूर्ण अंग तो देखो कथ्य दे रखा है, चरित्र चित्रण दे रखा है, संवाद दे रखा है, दशकी दे रखा है। प्यारे मित्रों फटाक से आंसर करिएगा जल्दी से, मुझे जल्दी से आंसर चाहिए, फटाफट जल्दी से करो कि नाटक का महत्वपूर्ण अंग जो है वो कौन सा क्या है। तो आपको पता होगा चार आंसर दे रखे आपके सामने, नाटक का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, कथ्य चरित्र चित्रण या फिर संवाद या देशकाल। तो यहां पर जो संवाद है, संवाद ये नाटक का क्या है महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों, महत्वपूर्ण अंग, ध्यान रखना दोस्तों। उसी प्रकार से देखिएगा आगे क्वेश्चन, आगे देखो नाटक का सबसे जरूरी माध्यम, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि नाटक का सबसे जरूरी माध्यम यानी सशक्त माध्यम कौन सा है, सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम, तो बिल्कुल यहां पर संवाद ही आपको करना है। नाटक का सबसे महत्वपूर्ण अंग पूछे, नाटक का आपको सशक्त माध्यम पूछे, जरूरी माध्यम पूछे, तो क्या करना आपको संवाद ही करना है, संवाद। आगे देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिएगा पांचवा क्वेश्चन मैं फटाफट करवा रहा हूं दोस्तों, अभिव्यक्ति माध्यम पर आधारित प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। देखिएगा मीडिया की भाषा में बीट का क्या अर्थ है, बीट का देखो दोस्तों क्षेत्र, समाचार, खबर या नाटक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्र। उसी प्रकार से देखिएगा आगे विशेष रिपोर्ट की भाषा कैसी होनी चाहिए, विशेष रिपोर्ट की भाषा जो है वो कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, हाँ इसके अलावा आम बोलचाल की भाषा यानी उपयुक्त, सभी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने इसका डी किया उनका राइट है दोस्तों। ये सब प्रश्न आप अच्छे से देख लेना, याद करना दोस्तों अच्छे से, किसी किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन कहलाता है विशेष लेखन, क्रियात्मक लेखन, सकारात्मक लेखन या रचनात्मक लेखन, तो बिल्कुल दोस्तों ये कहलाता है आपके विशेष लेखन, किसी खास विषय पर
सामान्य लेखन से हटकर किया गया जो लेखन है वो आपके विशेष लेखन कहलाता है। दोस्तों ध्यान रखना आप सभी। देखो दोस्तों मैं तो कह रहा हूं अभी भी आप कम समय के अंदर पढ़कर अच्छे नंबर ला सकते हो प्यारे मित्रों, सिर्फ आपके सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। आप कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, कुछ भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पर। निम्न में से विशेष लेखन का क्षेत्र है बीट, रिपोर्टिंग, स्वास्थ्य, इनमें से कोई नहीं। देखो विशेष लेखन के प्रमुख क्या पूछा आपको, क्षेत्र पूछा है, तो यहां पर स्वास्थ्य जो है उसका क्षेत्र है। अब आपको पता होगा विशेष लेखन के कई क्षेत्र है, जैसे व्यापार जगत है, कृषि, मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सभी का अध्ययन, पर्यावरण से जुड़े मुद्दे, ये सब आपके दोस्तों ध्यान रखना विशेष लेखन के ही क्षेत्र हैं। तो बिल्कुल स्वास्थ्य यहां पर हो जाएगा दोस्तों, स्वास्थ्य है ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने कि संवाददाताओं को रुचि, संवाददाताओं को रुचि और ज्ञान को ध्यान में रखकर उनके काम के विभाजन को क्या कहते हैं, सीट, नीट, बीट या रिपीट। तो प्यारे मित्रों ये कहते हैं बीट, बीट, ठीक है। संवाददाताओं को रुचि और ज्ञान को ध्यान में रखकर उनके काम के विभाजन को, काम को बांटना, विभाजन और बंटवारा को क्या कहते हैं, उसे बीट कहा जाता है, बीट, बीट, याद रखना दोस्तों। उसी प्रकार से देखिएगा आगे देखो कि विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को क्या कहलाता है, विशेषीकृत, विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर क्या कहलाता है, विशेष संवाददाता, संपादकीय, वेतनभोगी पत्रकार या संवाददाता। विशेषकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर क्या कहलाते हैं, तो ये विशेष संवाददाता कहलाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट हो जाएगा, ए। दसवें का क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा 11वां क्वेश्चन कि इंटरव्यू के लिए, दोस्तों इंटरव्यू के लिए हिंदी शब्द क्या है। अब आपको पता है इंग्लिश में कहते हैं इंटरव्यू, बाकी हिंदी में कहते क्या, साक्षात्कार, साक्षात, ठीक है। तो साक्षात्कार जो है, साक्षात्कार ये हिंदी का सही शब्द है दोस्तों, ध्यान रखना। इंटरव्यू के लिए हिंदी शब्द जो है वो क्या है, साक्षात्कार, साक्षात्कार, ठीक है। हम कहते हैं इंटरव्यू ले रहे हैं, साक्षात्कार। समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग किया जाता है, ना जाने कितनी बार पूछा गया ये, समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग होता है। तो प्यारे मित्रों मैं तो कहता हूं आप सभी को उल्टा पिरामिड शैली कर देना दोस्तों, अच्छे से याद रखना। समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग होता है, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग होता है, उल्टा पिरामिड शैली का, याद रखना आप सभी। बिल्कुल मेरे हिसाब से सभी को याद भी होंगे दोस्तों, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो सारा पुष्पराज की तरह याद कर लो फटाफट सभी। देखिएगा आपको पूछा क्या है दोस्तों, आपको पूछा कि समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ कहलाता है, समाचार पत्र का महत्वपूर्ण पृष्ठ कहलाता है, बताओ संपादकीय, फोटो पत्रकारिता, विज्ञापन या खेल पृष्ठ। तो ये कहलाता है दोस्तों संपादकीय। समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण जो पृष्ठ है वो क्या कहलाता है, संपादकीय कहलाता है, संपादकीय। आगे देखिएगा आगे क्वेश्चन, आगे देखो कि पत्रकारी लेखन, किस प्रकार का लेखन, पत्रकारी लेखन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो दोस्तों यहां पर संपादकीय दे रखा है, समाचार दे रखा है, आलेख दे रखा है, उपरोक्त सभी। तो देखो पत्रकारी लेखन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो संपादकीय भी आता है, समाचार भी आता है, आलेख भी आता है, बिल्कुल उपयुक्त सभी, यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिन्होंने डी दिया उनका राइट है। प्यारे मित्रों बिना आपका टाइम गवाए जो है फटाफट आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, जल्दी से। समाचार पत्र में संपादक को, संपादक के विचार को क्या कहा जाता है, बताओ। तो फीचर कहते हैं, संपादकीय कहते हैं, रिपोर्ट कहते हैं या संवाद कहते हैं। समाचार पत्र में संपादक के विचार को क्या कहा जाता है, तो संपादक के विचार को क्या कहते हैं प्यारे मित्रों, संपादक के विचार को कहते हैं आप दोस्तों, ध्यान रखना इसका, संपादकीय, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, बी। 15वें का बी हो जाएगा, बी। उसी प्रकार से देखिएगा आपके सामने 16वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन है कि समाचार लेखन की प्रभावशाली शैली, याद रखें समाचार लेखन की प्रभावशाली, प्रभावशाली जो शैली है वो होती है, कौन सी होती है, वर्णनात्मक शैली, नहीं उल्टा पिरामिड शैली, बिल्कुल उल्टा पिरामिड शैली होती है, ध्यान रखना आप सभी दोस्तों, ठीक है। समाचार लेखन की प्रभावशाली जो शैली होती है वो उल्टा पिरामिड शैली होती है, बी इसका राइट हो जाएगा। अरे दोस्तों के हाल है तेरा, देखिएगा अच्छे से याद कर, अच्छे से पढ़ और अच्छे से बढ़ तो आगे। प्यारे मित्रों अच्छे से पढ़ो, टाइम है अभी आपके पास दोस्तों, अभी तो आज 10 हुई दोस्तों, 11 12 13 को एग्जाम है आपका, 2 दिन बचे प्यारे मित्रों, लग जाओ दोस्तों। समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार द्वारा पाठकों तक सूचनाएं पहुंचने के लिए किया जाने वाला लेखन खालिस्तान कहलाता है। समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार द्वारा पाठकों तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए किया जाने वाला जो लेखन है वो तो देखो साहित्य लेखन नहीं, पत्रकारी लेखन कहलाता है दोस्तों, ध्यान रखना आप सभी, पत्रकारी लेखन। और आपको यह पता होना चाहिए दोस्तों पत्रकार के कितने प्रकार है, पत्रकार के 3 प्रकार है। एक तो होता है आपके सामने पूर्णकालिक पत्रकार, एक तो होता है पूर्णकालिक पत्रकार, और एक होता है आपके सामने अंशकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार, और एक होता है फ्रीलांसर, फ्रीलांसर। इस प्रकार से ध्यान रखना दोस्तों, पत्रकार के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में, अरे हमारा तो आ रही है, तू तो अच्छे से बोल, अच्छे से पढ़ा, अच्छे से याद करवा। अखबार की आवाज किसे माना जाता है दोस्तों, अखबार की आवाज
मारा हिसाब तो सब पढ़ा हुआ दोस्तों, अखबार पढ़ा है कि नहीं दोस्तों, अखबार ही तो है ना, अखबार दोस्तों खबर छपेगा मायने अखबार, अखबार की आवाज किसे माना जाता है, संपादकीय पृष्ठ को, खेल पृष्ठ को, राजनीतिक पृष्ठ को, आर्थिक राजनीतिक छोड़ो संपादकीय पृष्ठ को, बिल्कुल ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, अखबार की आवाज किसे माना जाता है, संपादकीय पृष्ठ की माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को कितने हिस्सों में बांटा गया है, जो उल्टा पिरामिड शैली है समाचार लेखन की विशेष शैली होती है उल्टा पिरामिड शैली, इसमें समाचार को कितने हिस्सों में बांटा गया है, इसमें समाचार को तीन हिस्सों में बांटा गया है। अभी मैंने बताया था आपको पूर्णकालिक पत्रकार, ठीक है, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर, याद रखेंगे दोस्तों। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, आगे देखो दोस्तों, आगे देखो, समाचार लेखन में लेखन की कौन सी शैली सबसे प्रभावशाली है, सीधी सीधा पिरामिड, उल्टा पिरामिड, संपादकीय या इंट्रो। तो देखो क्या पूछा है कि समाचार लेखन की कौन सी शैली जो है, कौन सी शैली सबसे प्रभावशाली है, तो सीधा पिरामिड यह नहीं होगा, संपादकीय इंट्रो, समाचार लेखन की कौन सी शैली सबसे प्रभावशाली है, तो उल्टा पिरामिड शैली जो है वो सबसे प्रभावशाली है, इसका बी यहां पर राइट हो जाएगा। पत्रकार किस प्रकार के होते हैं, तो पत्रकार देखिएगा, बिल्कुल उपरोक्त सभी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, देखते पता चल गया, पूर्णकालिक भी होता है, अंशकालिक भी होता है, फ्रीलांसर भी होता है, उपरोक्त सभी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे मित्रों आगे देखिएगा, आगे देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि समाचार लेखन के कितने ककार होते हैं, कितने ककार होते हैं समाचार लेखन के, तो आपको पता होगा समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं, कब, कहां, कैसे, क्यों, कहां, किस लिए, इस प्रकार से 6 ककार होते हैं, ध्यान रखना आप सभी, समाचार लेखन के कितने ककार होते हैं, 6 ककार होते हैं। आगे देखो समाचार पत्र, देखो आपको नजर नहीं आ रहा दोस्तों, नजर नहीं आ रही कि, अब देखो दोस्तों कि समाचार पत्र के प्रारंभिक प्रारंभिक अंश को क्या कहते हैं, इंट्रो, बॉडी, ककार, समाप्त। तो समाचार पत्र के जो प्रारंभिक अंश है उसको कहते हैं दोस्तों इंट्रो, क्या कहते हैं दोस्तों इंट्रो, कहते हैं इंट्रो, 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 इंट्रो है इंट्रो देते तो आसान जान करो दोस्तों, इंटरव्यू, इंट्रो, इंटरव्यू। आगे देखो, किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतन भोगी कर्मचारी क्या कहलाता है, बताओ बताओ, किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतन भोगी कर्मचारी क्या कहलाता है दोस्तों, पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार, फ्रीलांसर पत्रकार या वेतन भोगी पत्रकार। अरे प्यारे मित्रों पूर्णकालिक पत्रकार कहलाता है, ध्यान रखना आप सभी, किसी समाचार संगठन में काम करने वाला जो नियमित वेतन भोगी जो कर्मचारी है वो क्या कहलाता है, पूर्णकालिक पत्रकार दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। प्यारे मित्रों सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम कौन सा है, अब इस समय देखे दोस्तों इंटरनेट जो है, इंटरनेट यह सबसे आपको पता होगा यह खर्चीला जनसंचार है दोस्तों, ठीक है। अब देखो आधुनिक माध्यम में जनसंचार का वो रेडियो है, आपको पता होगा रेडियो। इसके अलावा बात करते हैं आपके सामने कि इस समय विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है, बताओ दोस्तों, चौथा दौर, तीसरा दौर, दूसरा दौर या तीसरा दौर चल रहा है, कौन सा दौर चल रहा है दोस्तों, तीसरा दौर चल रहा है। प्यारा मित्रों तीसरा दौर, छापेखाने का आविष्कार जो है, छापेखाने का आविष्कार किसने किया था, लुईस हैमिल्टन ने, जॉन गुटेनबर्ग या जेम्स चैडविक या मेडलीव, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लुईस क्या हो जाएगा, जॉन गुटेनबर्ग या लुईस हैमिल्टन, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा जॉन, ये हो जाएगा जॉन गुटेनबर्ग, जॉन गुटेनबर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी। इसी प्रकार से देखिएगा, पूछा है कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी, 1930 नहीं, 1936 बिल्कुल, 1947 नहीं, आपको पता होगा ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना आपको पता दिल्ली के अंदर हुई थी 1936 में, यानी इसका बी जो है वो राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों। आगे देखिएगा कि टेलीविजन जो है, टेलीविजन टीवी, निम्नलिखित में से जनसंचार का कौन सा माध्यम है, बताओ दोस्तों, जनसंचार के मैंने बताया तीन माध्यम है दोस्तों, माध्यम कितने तीन होते हैं, सर्व माध्यम, दृश्य माध्यम और सर्वदृश्य माध्यम। देखो दोस्तों पूछा क्या है कि कौन सा माध्यम है, प्रिंट मीडिया क्या, टेलीविजन निम्नलिखित में जनसंचार का कौन सा माध्यम है, प्रिंट मीडिया, सर्व माध्यम, दृश्य माध्यम या दृश्य सर्व माध्यम। अब टीवी तो आप देख भी सका दोस्तों, अपन देख भी सकते हैं ना, अपन देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, इसका मतलब कौन सा माध्यम है, सर्व दृश्य माध्यम है, सर्व दृश्य, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। प्यारा मित्रों आगे देखो, कौन सा संचार माध्यम केवल सर्व माध्यम है, अरे दोस्तों कौन सा संचार माध्यम केवल सर्व माध्यम है जिसे हम सिर्फ सुन सकते हैं, अब सुन को देखो, रेडियो, रेडियो को तो हम सिर्फ सुन सकते हैं दोस्तों, आपको पता है, तो रेडियो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेडियो, 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 रेडियो। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन आपके सामने, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्रिका जो है, साप्ताहिक पत्रिका माना जाता है, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्रिका जो है माना जाता है, तो यह माना जाता है उदंड, उदंड, उदंड मार्दन, ध्यान आप दोस्तों, यह हो जाएगा उदंड मार्दन, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, उदंड मार्दन। आगे देखो,
आगे प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से जन संचार का प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया बोलते हैं समाचार पत्र को, तो निम्नलिखित में से जन संचार का प्रिंट मीडिया है रेडियो, फिल्म, पत्रिका या टेलीविजन, तो बिल्कुल पत्रिका यहां पर हो जाएगा दोस्तों, पत्रिका। ठीक है, जन संचार का प्रिंट माध्यम कौन सा है? पत्रिका, पत्रिका, पत्रिका दोस्तों, पत्रिका, पत्रिका, पत्रिका। आगे देखो, भारत का पहला छापाखाना कब खोला गया दोस्तों? भारत का पहला छापाखाना कब खोला गया दोस्तों? भारत का पहला जो छापाखाना दोस्तों, ध्यान रखना आप सभी दोस्तों, यहां पर देखो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, 1556 हो जाएगा, गोवा में खोला गया था दोस्तों। भारत का पहला जो छापाखाना दोस्तों, आपको ध्यान रखना 1556 में कहां खोला? गोवा के अंदर, ध्यान रखे। आगे देखो, आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है दोस्तों? आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो प्यारे मित्रों, आधुनिक अखबार, देखो अखबार, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, तो अखबार यानी कि जो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया यानी जो समाचार पत्र है, ये सबसे पुराना माध्यम है दोस्तों। लेकिन आधुनिक माध्यम में देखो, वर्तमान में लोकप्रिय माध्यम बन चुका है इंटरनेट। आगे पूछा था ये कि क्या पूछा आपको? आपको पूछा कि आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, तो आप करेंगे अखबार यानी कि समाचार पत्र यानी प्रिंट मीडिया। अगर आप कि आधुनिक माध्यमों में सबसे लोकप्रिय माध्यम कौन सा, तो फिर आप कर देते इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट, इंटरनेट कर देते, यहां पर रेडियो नहीं करना आपको, इंटरनेट करना है कि ये लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। आपने पत्तों को नहीं कि दोस्तों, आजकल जो है सब इंटरनेट काम कर रहा है। भारत में इंटरनेट का दूसरा दौर कब शुरू हुआ था? इंटरनेट का दूसरा दौर दोस्तों 1983 नहीं, 1993 नहीं, 2003, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। 2003 में दोस्तों, ध्यान रखना आप सभी, इंटरनेट का दूसरा दौर शुरू हुआ था और अब जो तीसरा दौर चल रहा है। आगे देखो, भारत का पहला छापाखाना कहां स्थापित हुआ? भारत का पहला छापाखाना दिल्ली, सूरत, गोवा, अहमदाबाद। तो भारत का जो पहला छापाखाना दोस्तों, आपको पता होगा 1556 में गोवा के अंदर स्थापित हुआ। आगे देखो दोस्तों, आगे आगे यार, आगे आगे देखो, ये क्वेश्चन आगे दोस्तों आपके सामने 37वां प्रश्न क्या है कि विभिन्न जन संचार माध्यमों में इंटरनेट की क्या भूमिका है? विभिन्न जन संचार, इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा प्यारे मित्रों, सीरीज आपको खरीद लेनी है, सीरीज, ये सीरीज में भी मिलेंगे क्वेश्चन आपको, और इससे भी एक्स्ट्रा जानकारी सीरीज के अंदर दे रखी है दोस्तों, अच्छे से आप सीरीज को याद कर लेना। ठीक है, जिन्होंने खरीद रखी है वो तो याद करे अच्छे से, 30 रुपए मिल रही है इसलिए याद करना आप सभी को, जिन्होंने खरीद रखी है वो याद करे। आगे देखो, विभिन्न, मेरे क्लास अटेंड करते रहे, सीरीज को पढ़ते रहे, विभिन्न जन संचार माध्यम में इंटरनेट की भूमिका क्या है? तो उत्तर आप लिखेंगे कि इंटरनेट जनसंचार का महत्वपूर्ण माध्यम है। विभिन्न जनसंचार माध्यमों में इंटरनेट की महत्वपूर्ण भूमिका है जो इस प्रकार है, देखिएगा यहां पर पॉइंट बाय पॉइंट लिख रखा है। इंटरनेट 24 घंटे सूचनाएं प्रदान करता है, आपको पता है इंटरनेट कभी भी बंद नहीं रहता, 24 घंटे हम काम करते रहते हैं। ठीक है, तो 24 घंटे जो है वो सूचनाएं प्रदान करता है, ये सूचना के साथ साथ हमारा मनोरंजन भी करता है। ठीक है, मनोरंजन में नाटक कोई देखना होता तो भी इंटरनेट के जरिए हम आसानी से जो है देख सकते हैं। तो आपको पता है दोस्तों, बिल्कुल ये सूचना के साथ साथ हमारा मनोरंजन भी करता है, ये ज्ञान भी प्रदान करता है। आपको पता भाई, इंटरनेट से आज कई दोस्त जो है, कई यहां पर घर बैठे जो है इंटरनेट से जो है हम अपना ज्ञान का विकास कर रहे हैं। इंटरनेट के फायदे भी है तो नुकसान भी है। ठीक है, लेकिन जो सही उपयोग करते हैं वो कई आगे पूछ चुके हैं। ठीक है, तो यानी याद दोस्तों, जो फायदा भी है तो नुकसान भी है। इंटरनेट हमारे लिए जो है लाभदायक भी है तो नुकसानदायक भी है। ठीक है, नुकसानदायक उनके लिए है जो इंटरनेट का दुरुपयोग करते हैं उनके लिए। तो देखो, ये सूचना के साथ साथ हमारा मनोरंजन भी करता है, ये ज्ञान भी प्रदान करता है। इंटरनेट पर एक क्षण में एक साथ अनेक खबरें पढ़ी जा सकती हैं, आपको पता होगा। तो बिल्कुल यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा यहां पर ऑप्शन, ये सब राइट हो जाएंगे। विभिन्न संचार माध्यम में इंटरनेट की क्या भूमिका है, तो ये आप पॉइंट बाई पॉइंट लिख सकते हैं इसके अंतर्गत। आगे देखो, 38वां क्वेश्चन कि विशेष लेखन किसे कहते हैं? क्या प्रश्न है कि विशेष लेखन जो है, विशेष लेखन किसे कहते हैं? समाचार पत्रों में विशेष लेखन की क्या भूमिका, स्पष्ट कीजिएगा। विशेष लेखन, अभी देखा था किसी सामान्य विषय से हटकर विषय विशेष पर, ठीक है, विशेष विषय पर लिखे गए लेखों को विशेष लेखन कहते हैं। कृषि, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, मनोरंजन, प्रौद्योगिकी, कानून आदि विशेष लेखन के अंतर्गत माने जाते हैं। याद रखना, ये याद कर लेना, कृषि, व्यापार, शिक्षा, ये परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। बाकी उदाहरण भी लिख सकते हैं, कृषि, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, मनोरंजन, प्रौद्योगिकी, कानून आदि विशेष लेखन के अंतर्गत माने जाते हैं। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में इन विषयों पर विशेष लेखन लिखे जाते हैं। समाचार पत्रों में विशेष लेखन के लिए एक अलग स्थान अथवा बॉक्स निश्चित होता है। विशेष लेखन विषय से संबंधित विशेषज्ञों द्वारा लिखे जाते हैं। तो ये याद रखना, विशेष लेखन कहते किसे हैं? समाचार पत्रों में विशेष लेखन की क्या भूमिका है, ये आप लिख सकते हैं। विशेष लेखन के अंतर्गत हम चाहे तो कृषि, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, मनोरंजन, प्रौद्योगिकी, कानून आदि पर जो है लेखन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको लिखना दोस्तों। उसी प्रकार से देखिएगा, आगे जो क्वेश्चन पूछा है वो आपको पूछा ड्राई एंकर। ड्राई एंकर आपको पता होगा, ड्राई एंकर किसे कहते हैं? ड्राई एंकर, देखो ड्राई एंकर की बात करें तो ड्राई एंकर वे होता है जो समाचार के दृश्य नजर नहीं आते। जब समाचार दृश्य नजर नहीं आने तक दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर समाचार से संबंधित सूचनाएं देता है। ठीक है, उसे कहते हैं ड्राई एंकर। तो ड्राई एंकर की परिभाषा भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। उसी प्रकार देखो, उल्टा पिरामिड शैली क्या है?
उल्टा पिरामिड शैली, उल्टा पिरामिड जो शैली है, उल्टा पिरामिड शैली, इस शैली में जो है सबसे पहले जो है समाचार का महत्वपूर्ण क्या लिखा जाता है, तथ्य लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है दोस्तों? तथ्य लिखा जाता है। उसके बाद जो है घटते हुए क्रम में अन्य तथ्यों एवं सूचनाओं को इसमें लिखा जाता है। तो इस प्रकार की शैली को उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। तो याद रखें दोस्तों, यह समाचार लेखन की विशेष शैली होती है उल्टा पिरामिड शैली। कहानी के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? तो कहानी के महत्वपूर्ण घटक देखो, भाषा शैली हो गई, बिंब हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, यह कहानी के क्या प्रमुख महत्वपूर्ण घटक हैं। अगर हम कहानी के अंदर इनका उपयोग नहीं करेंगे, इनका प्रयोग नहीं करेंगे, तो दोस्तों कहानी वो कहानी नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये याद रखें दोस्तों। बिल्कुल आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आगे देखो आपके सामने, कहानी और नाटक में क्या अंतर है? कहानी और नाटक में अंतर क्या है? ये प्रश्न भी एग्जाम में मिल सकता है। कोई भी दो अंतर मुझे आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ये थे हमारे कुल मिलाकर 45 क्वेश्चन, 45 हमने अच्छे से कवर किए दोस्तों। ये वीडियो था आपके, आप सभी के बहुत से कमेंट आ रहे थे कि अभिव्यक्ति माध्यम पर आधारित प्रमुख प्रश्न करवाइए, तो आज मैंने करवा दिए हैं। और भी अगर आपको चाहिए इसी पर आधारित क्वेश्चन, तो सीरीज के अंदर मिल जाएंगे आपको, और सीरीज आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी पीडीएफ के रूप में। जिसको भी चाहिए तो मैसेज मुझे कर देना, नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं 8955661301। आपको चाहिए तो मैसेज कर दो, दो दिन का ही टाइम है, सीरीज को पढ़ो अच्छे से। ठीक है, ज्यादा पेज नहीं है उसमें, पूरी व्याकरण भी मिल जाएगी आपको शॉर्ट तरीके से। चलो दोस्तों, ठीक है, तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ओके।